ईवीएम मशीन की केस मैं सुप्रीम कोर्ट लेकर गया। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में डिसीजन दिया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैं प्रूव कर सकता हूं कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सुप्रीम कोर्ट को दिए और जो केस हमने लिखा वो ड्राफ्ट भी हमने ही लिखा। सुप्रीम कोर्ट पे हमने वकील लगाया, वकील ने पूछा किसने लिखा, कि हमने लिखा, तो कहा कितनी वकालत पड़े, कहा कुछ भी नहीं पड़े, कैसे हो सकता है। अरे भाई लिखा आपके सामने है, अभी कैसे हो सकता, क्या मतलब है। जो ड्राफ्ट हमने लिखा उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय, हमने वकील को कहा कि जो कोर्ट ऑफ लॉ में आप बोलोगे ना, बोलोगे सब बोलोगे, वो भी अपना नहीं बोलने का, हम लिख कर देंगे वो बोलने का, पैसा जरूर हमसे ले ले, पैसा हमसे ले ले का, मगर जो एर्गुमेंट मुंह से बोलोगे वो हम लिख कर देंगे वो बोलने का। केस हमने जीता, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जजमेंट दिया, आधा आधा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के बावजूद भी नहीं दिया। वो केस फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारी है, आज की क्या तारीख है, 18 तारीख को हियरिंग थी। चुनाव आयोग का एक भी आदमी नहीं आया, क्यों, जवाब ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का एक भी आदमी नहीं आया, वकील नहीं आया, चीफ जस्टिस से कोर्ट में केस थी। ये जो रंजन गोगोई है इसके कोर्ट में केस थी, उस बहुत गुस्से से उसने ये 24 घंटे में चुनाव आयोग अपना वकील भेजकर कि वकील क्यों नहीं भेजा इसका जवाब। तो 19 तारीख को उसका वकील आया और वकील ने कहा कि हमारे घर में देहांत हो गया था, जज ने विश्वास नहीं किया। जज ने कहा अगली बार डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले आओ, कौन मर गया था। आपको बहुत बारीकी कह रहा हूं, आपको समझ में आए इसलिए, क्योंकि अगर मान लो बहुत दूर का रिश्तेदार मर गया तो जज मानेगा झूठ बोल रहे हैं। मां मर गई, बाप मर गया, तब तो माना जा सकता है कि भाई मर गया, एक्सीडेंट में कुछ हो गया, तब तो माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगी हुई है और वकील नहीं आ रहा है। जज ने कहा ठीक है, अगर इतनी ही बात थी तो तुम्हारे जूनियर वकील ने आकर क्यों नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट के जज को यकीन नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब मैंने पहली केस रजिस्टर की थी तो मेरे वकील ने मेरी केस को विड्रॉ किया मेरे पूछे बगैर, उसको मालूम ही नहीं है वामन मेश्राम की केस विड्रॉ करना, उसने समझा ऐसे अशील होते जैसे होते हैं पहले, उसको वामन मेश्राम थोड़ी जानकारी थी। तो मैंने उसके जूनियर लॉयर को एसएमएस किया, उसमें लिखा कि मेरे पूछे बगैर मेरी केस को वकील ने विड्रॉ किया तो मैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का वकील के ऊपर दिल्ली आ रहा हूं और वकील के ऊपर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्रिमिनल केस कोर्ट में दाखिल कर रहा हूं, और दूसरा 11 बजे मेरी फ्लाइट पहुंचेगी, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, सीधा बार काउंसिल में एप्लीकेशन दे रहा हूं कि इस वकील को अगले केस में वकालत करने के लिए जो लाइसेंस दिया हुआ है उसे रद्द किया जाए। ये एसएमएस किया, मैं जानता था कि ये जूनियर लॉयर को जो एसएमएस करूंगा वो सीनियर के पास पहुंचेगा, इसीलिए जूनियर को भेजा। वो वहां गया, सीनियर के पास गया और सीनियर ने उसको, जूनियर ने देखा, दिखाया
और सीनियर ने देखा, देखते ही उसने कहा कि कौन मामले में जाना है। ये वही है जो केस वाला। अच्छा तो क्या करें, तो वो तो जाए ना बार काउंसिल के आपके विरोध में, आपका लाइसेंस भी रद्द करने के लिए बोल रहा है। कहा कि उनको रोको, मैं दोबारा केस रजिस्टर करता हूं। उसने दोबारा केस रजिस्टर किया। दोबारा केस रजिस्टर करने के बाद मैं समझ गया उसकी गलती नहीं थी। उसको चुनाव आयोग ने दबाव डाला, उसने भारत सरकार ने दबाव डाला। हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस है उधर से उसको दबाव डाला गया होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जब मेरी केस हीरिंग को नहीं आ रही थी तो मैंने वकील को पूछा, अरे मेरे पीछे वाली केसेस हीरिंग को आ रही, मेरी क्यों नहीं आ रही है? जिसका नंबर मेरे पीछे है वो पहले आ रही है, और मैं आगे वाली केस है मेरी, वो क्यों हीरिंग को नहीं आ रही है? मैंने कहा क्या उपाय है? कहा कि चीफ जस्टिस के कोर्ट में मेंशन करना होगा। जाओ, मैंने मेंशन करो, मेंशन किया, चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया इमीडिएट हियरिंग के लिए भेजा गया। मैं आपको देश में क्या चल रहा है उसको बता रहा हूं, समझ में आ जाए आप लोगों को। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया जल्दी हियरिंग के लिए केस पुटअप किया जाए, रजिस्ट्रार ने पुटअप नहीं किया। मैंने वकील को दोबारा भेजा, दोबारा चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया, दोबारा रजिस्ट्रार ने केस पुटअप नहीं किया। तीसरी बार चीफ जस्टिस के कोर्ट में मैंने वकील भेजा, तीसरी बार चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया। मैं नहीं समझता कि दूसरा आदमी अगर होता मेरे अलावा वो तो वो डिस्करेज हो जाता, बता रहे छोड़ो यार। तीसरी बार जब ऑर्डर हुआ तब हियरिंग के लिए केस आया, चार वकील मेरे खिलाफ चुनाव आयोग ने खड़े किए, एक शब्द का आर्ग्यूमेंट नहीं किया चार वकीलों ने, मेरे खिलाफ आर्ग्यूमेंट करने के लिए कुछ था ही नहीं। सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चुनाव आयोग के विरोध में मेरे पास था, चुनाव आयोग के ही लेटर मेरे पास चुनाव आयोग के विरोध में। और फिर नोटिस इश्यू हुई और भारत सरकार को 3567 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए ऑर्डर देना पड़ा। 3567 करोड़ रुपया मेरे केस पर ऑर्डर देना पड़ा भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी को, कि पेपर ट्रेल मशीन, अभी जो पेपर ट्रेल मशीन लग रही है ना सारे देश भर में ईवीएम मशीन को, मेरे केस में ऑर्डर दिया गया। अब मेरी जो केस अभी है कि जो पेपर ट्रेल मशीन लगी लगाई हुई है उस मशीन से जो कागज बाहर निकलता, आप बटन दबाते हो तो वोट का दो रिकॉर्ड तैयार होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार होता है, एक कागज का रिकॉर्ड तैयार होता है, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, आपको धक्का लगेगा बहुत आगे, पहले भी सतर्क कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं आपको। दो रिकॉर्ड तैयार होते हैं आपके वोट के जब बटन दबाते हो, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एक कागज का रिकॉर्ड। गिनती इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की होती और घोटाला भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में होता है। हमारा एक प्रोफेसर अमरावती में चुनाव लड़ रहा था, वो और उसकी बीवी वोट डालने के लिए गई, काउंटिंग हुआ बूथ पर, कितना वोट निकला? जीरो। उसके कार्यकर्ता थे, उसके रिश्तेदार थे, उसके समर्थक थे, वो सारे लोगों ने उसको बूथ पर वोट दिया, कितना निकला? जीरो। पेपर ट्रेल मशीन भी लगी हुई थी, उसने आंखों से देखा कि हमारा जो बटन है वो बराबर हमारी जगह ही लगा हुआ है, फिर भी उसका वोट जो है बूथ में जीरो निकला, क्योंकि आपके पास 90 लाख है ना, इसलिए बता रहा हूं जीरो निकला, आपको समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। ये बदमाश, ये चोरों के सरदार है, चोर नहीं है, ये चोरों के सरदार लोग है, तो इसलिए बता रहा हूं। तो कागज जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की गिनती हुई, जीरो निकला। उसने पत्रकारों को कहा कि मैं गया था, मेरी बीवी गई थी, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे सपोर्टर थे, कार्यकर्ता थे,
सभी ने मेरे को वोट दिया, फिर भी मैं मानता हूं कार्यकर्ता ने नहीं दिया, रिश्तेदार ने नहीं दिया, मेरी बीवी ने भी नहीं दिया, मैं मानने के लिए तैयार। कभी कभार जिंदगी में गुस्से में मेरे बीवी को मैंने झापड़ झुपड़ मारा होगा और उसको लगा होगा कि इसको सबक सिखाने का अच्छा मौका है, इसलिए उसने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा। हो सकता है ऐसा हुआ होगा, मगर मैं प्रोफेसर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने आप को वोट ना डाल। तो कम से कम एक वोट निकाला जाता कि एक प्रोफेसर को एक वोट पड़ा। अब मेरा वोट कहां गया? दुनिया वालों ने मुझे नहीं दिया, ठीक है मैं सब मान लेता हूं, मेरा वोट कहां गया? उसने मुझे टेलीफोन किया, वो पत्रकारों को कहा मेरा वोट कहां गया? पत्रकार ने कहा हम क्या बताएं, आपके प्रति केवल सहानुभूति है, कि आपका वोट चोरी हो गया है, बस सहानुभूति है और कुछ नहीं कर सकते। उसने मुझे वहां से टेलीफोन किया कि ऐसा हुआ क्या करे? तो मैंने कहा ऐसा है, ऐसा करो रिटर्निंग ऑफिसर को एप्लीकेशन करो और सारे बूथ का डाटा लिखित से मांगो और साइन ले। उसने लिखित डाटा मांगा, पैसा भर दिया, अधिकारी ने लिखकर दिया, वो वोट करने के लिए गया, उसका रिकॉर्ड, उसका जीरो निकला, उसका रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड उसने दिया, अधिकारी ने दिया, वो रिकॉर्ड मैंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। समझ में आ रहा है ना? सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई अगर आप सबूत नहीं देते ना, तो वो जो फाइल है ना, वो वकील के मुंह पर ऐसा जज फेंक के मार कर देता है, ऐसा फेंक के मारता है, आप लोगों को पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, हमारे वकील को सुप्रीम कोर्ट ने आर्गुमेंट ही नहीं करने दिया कि ये तो ऐसा लिखा हुआ है, आर्गुमेंट की कोई जरूरत है ही नहीं। एक एक पैरा हमने ऐसा लिखा हुआ था, अभी भी वो रिकॉर्ड है। तो जो अभी हमने केस डाला, तो हमको हमारे पास पुराना तजुर्बा है, वो डिले कर रहे, डिले कर रहे, क्योंकि उनके पास जो मैंने केस अभी लिखा हुआ है उसके सारे सबूत है। हमारा क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट को, आपने ऑर्डर दिया 8 अक्टूबर 2013 को इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की गिनती होती है, जो कैंडिडेट हार जाता है, हारा हुआ दूसरा तीसरा चौथा पांचवा दसवां कैंडिडेट अगर एप्लीकेशन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट कब शुरू होता है, ये रिजल्ट मुझे मंजूर नहीं है, ये मेरा एप्लीकेशन है, रिकाउंटिंग करो। आपको समझा रहा, रिकाउंटिंग करो, ये रिजल्ट मुझे मंजूर नहीं है, रिकाउंटिंग करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन केस ऑफ डिस्प्यूट मैनुअल काउंटिंग करना होगा। मैनुअल काउंटिंग किसकी? पेपर ट्रेल मशीन से जो कागज बाहर निकलता है उस कागज की मैनुअल काउंटिंग करना होगा। ये ऑर्डर 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आज तक 500 लोगों ने एप्लीकेशन किया सारे देश भर में रिकाउंटिंग करो, चुनाव आयोग ने रिकाउंटिंग नहीं किया, वो 500 लोगों का डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट को दिया और सुप्रीम कोर्ट को कहा ये देखो आपका ऑर्डर 8 अक्टूबर 2013, आप कह रहे हैं रिकाउंटिंग होना चाहिए, चुनाव आयोग को लोगों ने लिख कर दिया रिकाउंटिंग करो, रिकाउंटिंग चुनाव आयोग कर नहीं रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चुनाव आयोग मान नहीं रहा है, हमारा ऑर्डर नहीं है, आपका ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं है। मैजिस्ट्रेट में और सुप्रीम में बहुत ज्यादा अंतर है। आपका ऑर्डर सुप्रीम चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, अगर आपका ऑर्डर नहीं मान रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट ही नहीं है, क्या कर लोगे? आपके पास 90 लाख है, कुछ समझ में आ रहा है? आपके पास जो 90 लाख है ना, वो ऐसे फूक मार के हवा में उड़ा रहे हैं, एक दो केस नहीं 500 लोगों का एप्लीकेशन दिया, जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को लिख कर दिया ये रिजल्ट हमें मंजूर नहीं है। पुणे में कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट कॉर्पोरेटर चुनकर गए,
चुनकर घोषित व चुनकर आ गए तो वो बोल मैं चुनकर आ गए, यानी उसको यकीन नहीं था कि मैंने प्रचार किया ही नहीं, घर से बाहर निकला ही नहीं, मैं चुनकर आ गए। बीजेपी का आदमी था तो चुनकर तो आएगा ही। तो अभी जो केस मेरा है और चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी आपको 4 तारीख को जवाब देना है। आपको पता होना चाहिए, आज की खबर है 1st week of March में चुनाव की तारीख घोषित होगी, आचार संहिता घोषित होगी। मैंने मेरे वकील को कहा कि आप प्रशांत भूषण से बात करो, इंदिरा साहनी से बात करो और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन करो कि 1 महीने के अंदर अंदर आचार संहिता लागू होने वाली है। फिर आप कहोगे अब आचार संहिता लागू होगी, हियरिंग नहीं करेंगे और फिर वही बदमाशी करने का मौका सारे देश भर में चुनाव में होगा। जल्दी हियरिंग चाहिए हमें, आचार संहिता लागू होने के पहले हमें इस पर रिजल्ट चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। ये एप्लीकेशन मैंने वकील को बोल करके दिलवाया और मैं 5 मार्च को भारत बंद की तैयारी में लगा हुआ। मैं केवल कोर्ट में थोड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं जानता हूं केवल कोर्ट में लड़ाई लड़ने से सफलता मिलने वाली नहीं है, इन लोगों को सड़कों पर घसीटना होगा, इन लोगों को सड़कों पर निपटना होगा। इसके बगैर आपके साथ न्याय होगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता। इसलिए मैं आपको डिस्करेज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं आपके साथ न्याय हो इसके लिए भी व्यवस्था करने के लिए भी लड़ रहा हूं। आपके चुनाव में अगर पेपर ट्रेल लागू हो जाता है दिल्ली में जो आपने मनसूबा पाला हुआ तो आपको फायदा होगा, सारे देश के मजलूमों को फायदा होगा। हमारे पास लोकतंत्र उम्मीद है, लोकतंत्र एक उम्मीद है क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा है, संख्या हमारी ज्यादा है इसलिए उम्मीद लोकतंत्र पर है। अगर लोकतंत्र ईवीएम मशीन के द्वारा कोई हाईजैक करता है तो हमारी सारी उम्मीदें खत्म होने वाली है, इसलिए हमें उस हिसाब से लड़ाई लड़ना होगा। आपने अपने 90 लाख लोगों पर उम्मीदें लगा रखी है, मगर इस देश में चोर है, चोर के उसके ऊपर एक सरदार है, चोरों का सरदार है और डकैत है जो वोटों के ऊपर डकैती डाल रहे हैं। जिनके पास पैसा होता है वो पैसे की चोरी नहीं करता है, जिनके पास वोट नहीं होता है वो वोटों की चोरी करता है, जिनके पास पैसा नहीं होता है वो पैसे की चोरी करता है। आपके पास वोट है इसलिए आपको वोटों की चोरी करने की जरूरत नहीं है, जिनके पास वोट नहीं है उनको वोटों की चोरी किए बगैर चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए वोट आपके पास है तो आपके वोट चोरी जाने वाले हैं, मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूं, एविडेंसेस के साथ बता रहा हूं। तो आपको 90 लाख लोगों को जागृत संगठित करने के साथ साथ ये भी जो बात मैं आपको समझा रहा हूं इसकी भी तैयारी करनी होगी। बाकी बामसेव भारत मुक्ति मोर्चा और ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन बहुजन क्रांति मोर्चा, ऐसे हमारे बहुत सारे संगठन हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी ये हमारे मित्र लोगों ने बनाई हुई है, वो हमारे बहुत सारे मुद्दे मानते हैं और इलेक्शन मैनिफेस्टो में मानते हैं, तो इसलिए हम उनको मुद्दों आधारित समर्थन करते हैं, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। तो आप लोगों को हमारा समर्थन मिल सकता है, आप मजलूम लोग हैं, किराएदार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, आपको हमारा समर्थन मिलेगा, हम आपको समर्थन करेंगे, मगर आपको बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन करेंगे इसके लिए उनसे बात करना होगा, हमसे बात करके
ये मामला हल नहीं होगा, क्योंकि हमारा संगठन जो है उसकी बात मैं कह सकता हूं, उसकी तरफ से कह रहा हूं कि हम आपका समर्थन करेंगे, हमारे मुद्दे हम आपको बताएंगे, इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालना होगा, उन लोगों के साथ आप बात करो। और ये जो 5 तारीख की आपकी रैली हो रही है उसके लिए भी हम लोग अपने लेवल पर जो कर सकते हैं वो करेंगे। बहुत कुछ करना होगा आने वाले समय में आप लोगों को, तो एक दो बात और बताना चाहता हूं। अभी दिल्ली में मुझे ऐसा लगता है कि आपको समर्थक लोगों का विस्तार करना चाहिए, केवल मजदूर और किराएदार इतने भर से काम नहीं चलेगा, आपको और, क्योंकि झोपड़पट्टी में झोपड़ा बनाकर जो लोग निवास कर रहे हैं वो किराएदार नहीं है, वो तो झोपड़ी के कम से कम मालिक है, तो वो लोग जो हैं, तो ऐसे मालिक, आप तो मालिकों के घर में किराएदार है, मगर दिल्ली में ऐसे भी मालिक है घर के जो झोपड़े वाले लोग हैं, तो वो भी हमारे ही तमाम बैकवर्ड क्लासेस की तरह ही है, तो इसलिए उन लोगों का भी समर्थन हासिल करने के लिए झोपड़े में रहने वाले जो लोग हैं संगठन का विस्तार आपको वहां भी करना होगा, वहां भी बहुत बड़े संख्या में। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि हमारे लोगों का केवल निवास की ही समस्या नहीं है, हमारे लोगों की एक बड़ी समस्या यह है शिक्षा की, एजुकेशन की। विकास तो एजुकेशन लेने के बाद हम खुद ही कर लेंगे, क्योंकि ये लोग तो हमारे विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं, देश में 83 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका मिनिमम इनकम 6 रुपया और मैक्सिमम 20 रुपया है। मिनिमम इनकम 6 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और मैक्सिमम 20 रुपया, ऐसे लोग। आप लोगों को याद होगा सोनिया गांधी के समय में 90% गांव के लोगों को 1 रुपया किलो में ज्वारी या 2 रुपया किलो में गेहूं देने का कार्यक्रम बनाया गया, और शहरों के 75% लोगों को, ये उसके समय में उन्होंने कार्यक्रम बनाया था। इसके बावजूद भी वो चुनाव नहीं जीत पाए, मनरेगा भी उन्होंने बनाया था, इन्होंने तो बंद कर दिया। तो आपको उस एरिया में एजुकेशन के लिए जो हमारे लोगों की सुविधाएं बंद हो गई, नरेंद्र मोदी ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास के लोगों को जो यूओ या स्कॉलरशिप मिलती थी, मिल रही है, बंद नहीं की, मगर दिया किसी को भी नहीं। 314 बच्चे बैकवर्ड क्लास के ओबीसी के आईएएस आईपीएस आईआरएस पास हुए, फाइल को रद्द कर दिया। जो जनगणना करने का काम था, जनगणना करें कहा कि 21 को करेंगे, अरे भाई 19 को तुमको वोट मिलेगा तब ना 21 को करेंगे, अगर 19 को तुमको वोट नहीं मिला तो 21 को कहां से करेंगे। अब किराएदार भी तुमको वोट देने के लिए तैयार नहीं, तो तुम कैसे जाओगे उधर। तो मतलब यह है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के विरोध में जा रही है, और लोग विरोध में है, मैं देश भर में घूमता हूं तो मुझे दिखाई देता है, और देश में ऐसा माहौल बन रहा है, लगातार बन रहा है, गठबंधन बन रहा है, महागठबंधन बन रहा है। कल कलकत्ता में महागठबंधन का वो सारे देश भर में टीवी दिखा रहा है 24 घंटे, और सारे देश भर में अखबार वालों ने दिखाया, तो माहौल इकट्ठा नहीं, सारे लोग इकट्ठा होकर उन लोगों के विरोध में माहौल बना रहे। तो इसलिए तीसरी बात यह है कि आप अगर बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन करोगे तो संभवतः मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी के लोग 39 दल को लेकर बना रहे गठबंधन। बीजेपी में कितने दल है? 39, और इनके जो है 22 या 24 है,
2224 दल है, और आपका किराएदार मजदूर और बहुजन मुक्ति पार्टी दो, उनका 22। आप लोगों को भी अपना जनसंख्या के साथ साथ जो राजनीतिक जो दावपेच है उसके बारे में आपको भी गठबंधन का विस्तार कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी आप विचार करो। केवल इसलिए दे रहा हूं सलाह क्योंकि आपका जो मंसूबा है, आपका जो संकल्प है, संकल्प तभी पूरे होते हैं जब संकल्प को पूरे करने वाला प्लान होता है। संकल्प अपने आप पूरे नहीं होते हैं, संकल्प को पूरा करने वाला अलग प्लान होता है, प्लान के बाद उस प्लान पर काम करने वाला एक्शन प्लान होता है। एक तो प्लान होता है जो कागज में, फिर उसके बाद में एक्शन प्लान होता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक आदमी से नहीं हजारों लोगों के द्वारा उस पर अमल में लाना पड़ता है, तब आपको सफलता मिलेगी। सफलता हासिल करने के लिए शक्ति संगठन की, समर्थन जनता का, दावपेच नेतृत्व का, ये तीनों इकट्ठा कर लो तो चौथे मुद्दा है सफलता। दोबारा बताता हूं, शक्ति संगठन की, समर्थन जनता का और दावपेच नेतृत्व का। आपके पास केवल शक्ति होने से आप सफल नहीं हो सकते, आपको शक्ति के साथ साथ आपके पास जनसमर्थन चाहिए राजनीति में, चुनाव में, फिर जनसमर्थन से भी आप मुकम्मल सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको नेतृत्व करने वाला आदमी जो दावपेच करते आना चाहिए। मायावती को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में गठबंधन नहीं किया तो मायावती ने भी यूपी में कहा हम भी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। दावपेच समझा रहा हूं, दावपेच क्या होते हैं, समझ रहे ना? तो इसलिए ये तीनों को इकट्ठा कर लो तो सफलता मिलेगी। सफलता का जो मामला है ये बहुत दुरूह रास्ते से गुजरता है, इसलिए आपको करना होगा। मैं आशा करता हूं कि इस पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में अपने प्लान बनाने वाले जो आपके पास कार्यकर्ता है उनके बीच में आप इस पर मंथन करेंगे, रास्ता निकालेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग निश्चित रूप से जहां भी मजलूम लड़ाई लड़ता है हम उसका साथ में रहेंगे। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।